बताइए कि आज ये कार्यक्रम किस लिए किया गया। फिट राइज 75 एक ऐसा कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत, जिसका फ्लैग ऑफ स्वयं सेंट्रल होम मिनिस्टर माननीय श्री शाह साहब ने किया, अमित शाह जी ने किया, और इसकी शुरुआत हैदराबाद के नेशनल पुलिस एकेडमी सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष भारत के, वहां से शुरू की है। ये शुरुआत इसलिए की गई है, ये कार्यक्रम इसलिए है कि जो भी पुलिस ऑफिसर और पुलिस कर्मचारी, पुलिस ऑफिसर और कर्मचारी के परिवार वाले हैं, साथ ही जो जनता उनके साथ मिलकर चलती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि पुलिस होने का मतलब इतना काफ़ी नहीं है कि वो बहुत अच्छा तफ्तीश करे, अन्वेषण करे, लॉ एंड ऑर्डर कायम रखे, बल्कि ये भी जरूरी है कि आम जनता को अपना सा है ऐसा समझ में आए। जो डिजीज आइजिस कॉन्फ्रेंस माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय गृह मंत्री महोदय के नेतृत्व में 2018 और 2019 में हुआ, उसमें भी पुलिस को मिनी मैराथन आयोजित कराने को कहा गया है और केंद्रीय रूप से भी आयोजन कराने को कहा गया है। मुझे माननीय पुलिस महासंचालक साहब ने इस कार्यक्रम का प्रतिनिधि बनाया, कोऑर्डिनेटर, समन्वयक बनाया। पूरे महाराष्ट्र में अभी लगभग 36,000 पुलिस कर्मचारी और अधिकारी ने दौड़ना शुरू किया था और पूरे हिंदुस्तान में लगभग 2.5 लाख लोगों ने ये दौड़ की है और पूरी कर रहे हैं। इसमें 3 तरह की कैटेगरी डाली गई है, अपनी अपनी कैटेगरी खुद को चुननी है, सामान्य, सेमी एडवांस एंड सुपर एडवांस, और उनको प्रतिदिन 75 दिनों तक टारगेट दिया जाएगा। वो टारगेट पूरा करके ईमानदारी से अपने ईमेल आईडी के माध्यम से फिट राइज 75 में अपलोड करना है और 75 दिनों के बाद पुलिस और पब्लिक का एक ऐसा मैराथन आयोजित करना है जिसमें 5 किलोमीटर तो जो सबसे सामान्य है उसे भी पूरा आसानी से करना चाहिए और उससे अधिक बाकी लोगों ने 10 या 20, 21 किलोमीटर पूरा करना चाहिए। ऐसा उद्देश्य माननीय गृह मंत्री महोदय ने दिया कि 5 किलोमीटर बहुत कम है, पुलिस के लिए तो इससे कहीं अधिक होना चाहिए, आज के जवानों के लिए इससे कहीं अधिक होना चाहिए। तो हम इसका टारगेट रखेंगे कि 75 दिनों के बाद जो भी रविवार आएगा या शनिवार आएगा छुट्टी के दिन, एक 5, 10 और 16 और 21 किलोमीटर का मैराथन आयोजित करवाएं जिसमें जनता और पुलिस बड़ी संख्या में सहभागी हो। और जो ये सोच है, स्वामी विवेकानंद की सोच, अभी अभी गृह मंत्री साहब ने बताया कि प्रबल शरीर में ही प्रबल आत्मा का निवास होता है और ऊर्जा उसी में विकसित होती है जो स्वस्थ होता है, उन्होंने अपना स्वयं का अनुभव भी इसमें बताया है। तो हमें ऊर्जा उत्पन्न करनी है और अपनी शक्ति का सही उपयोग करते हुए जनता को संरक्षण देना है जिससे कि जनता को ऐसा लगे कि पुलिस हमारी है और हम पुलिस के हैं, पुलिस हमसे अलग नहीं है। धन्यवाद, जय हिंद। सर, ये भी जानना चाहेंगे जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं और हमारे अधिकारी स्वस्थ होते हैं तो इसका जो असर हमारी जनता पे भी जाती है। बिल्कुल, उनका कॉन्फिडेंस, उनका जो आत्मविश्वास है, उनका जो भरोसा है पुलिस महकमे पे, पुलिस विभाग पे, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सशक्त हो जाता है। उनको लगता है कि स्वस्थ पुलिस सशक्त पुलिस है और सशक्त पुलिस समर्थ पुलिस है और समर्थता के साथ वो अपने सभी उत्तरदायित्वों को पूरा कर सकता है। चरक संहिता में कहा गया है कि शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, इसका अर्थ ये होता है कि शरीर ही हमारे सभी कर्तव्यों को पूरा करने का सर्वोत्तम और प्रथम साधन है। सर, जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? जनता को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने फिट इंडिया का मूवमेंट चलाया था आम जनता के लिए। हमारे देश में आज भी हम 107 मेडल जो आज तक 100 का टप्पा, 100 का सोपान हमने पार किया है, वो काफ़ी नहीं है। चीन अकेले 200 गोल्ड मेडल जीतता है और हम कुल मिलाकर 107 मेडल जीतते हैं। इसका अर्थ है कि मधो दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है, अभी हमें बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। एक स्वस्थ व्यक्तियों वाला देश ही स्वस्थ देश होता है, शक्तिशाली देश होता है।
चीन ने एक जमाने में नारा दिया था 70 के दशक में, बदन बनाओ देश बचाओ। मेरा कहना है स्वस्थ रहो, फिट रहो और देश को सबसे शक्तिशाली और फिट बनाओ। शुक्रिया सर।